Welcome to Hero Honda Saregamaba Singing Superstar Spotlight. Challenges की तलाश में हुए auditions. Top 8 singing stars को टक्कर देने पहुंचे challengers ने किया mentors को impress. रिनी और दीपानिता ने गवाया जनता के सामने आने का मौका. सिंगिंग स्टार्स के परफॉर्मेंस में चार जान लगाने वाले लाइव बैंड से मुलाकात. और इस हफ्ते कंटेस्टेंट्स का हौसला बढ़ाने ऋषि और नीतू कपूर के साथ साथ सुपरस्टार संजय दत्त भी आए. मैं पहले भी कर चुका हूँ ये शो. जब भी ये शो करता हूँ तो अच्छा लगता है इतने टैलेंट देखना. एंड जो यहाँ जो टैलेंट आके जो गाता है, जो परफॉर्म करता है, आई थिंक इज ग्रेट. जितने भी ऑडियंस थे सब तो खड़ा होके एकदम मुन्ना भाई मुन्ना भाई मुन्ना भाई करके तो चिल्ला रहा था. इतना क्रेज था ऑडियंस में कि तीन लोग सर्किट बन के आए थे उनके लिए. संजू भाई के लिए हम सर्किट बन के आए लाए. एक भी नहीं सर्किट, तीन सर्किट लेके आए. बहुत ही सूदिंग सा माहौल हो गया था उनके आते ही. पॉजिटिव एनर्जी हो गई थी चारों तरफ. उन्होंने आके मुझे गले लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा. और सच मानिए जादू की जंपी में एक ऐसा जादू है कि दिल को सुकून मिलता है. कितने खुश थे सबके सब, सारे जजेस, सारे कंटेस्टेंट, सबके सब उनसे मिल गए. आदमी खुश हो जाता है. वेरी ग्लैड. जब ऋषि कपूर नीतू सिंह का जो एंट्रेंस हुआ था तब हम लोगों को लगा कि आज यार कुछ नया ही होने वाला है. ऐसा लग नहीं रहा था कॉम्पिटिशन है. सच में लग रहा था कि कोई थीम के अकॉर्डिंग कोई इवेंट हो रहा है, कोई शो हो रहा है और हम सब उसमें बस परफॉर्म कर रहे हैं. कॉम्पिटिशन की इतनी टेंशन नहीं है. मेरा एक स्पेशल मोमेंट था जहाँ पे मैंने उनको डफली बजाने को कहा था और उन्होंने कसम से इतना परफेक्ट बजाया, इतना परफेक्ट बजाया. लोगों को म्यूजिक की बड़ी नॉलेज है, वो भी बड़ा अच्छा लगता है. बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, बहुत अच्छे दिल के इंसान है. बहुत बहुत मजा आया उनके साथ भी आज काम करके. ये ढोलकी वोलकी कहाँ सुनाई देती है आजकल यार, सब सिंथेसाइजर्स ही होते हैं. बहुत बढ़िया हो गया क्या आपको सुन के आज. और आप भी जो सिंथेसाइजर पे सब आपने बड़ोबर किया. टेक अ बाउ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज द म्यूजिशियंस. गाने में जितना योगदान सिंगर का होता है उतना ही म्यूजिशियंस का भी. और अगर म्यूजिशियंस सारे गामा पाके हों तो तारीफ करनी ही पड़ती है. म्यूजिकल रियलिटी शो में ऑर्केस्ट्रा जो हमारा होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो गाने का जो भराव आता है सिर्फ ऑर्केस्ट्रा से आता है. आजकल बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो रही है कीबोर्ड्स पे, ये वो सब बात ठीक है, लेकिन जब लाइव चीज़ बजती है, जब एनर्जी सब साथ में आती है तब बहुत ज़बरदस्त साउंड आता है. लाइव बैंड इज लाइव बैंड. लाइव में तो जान आ जाती है. तो बहुत डिफरेंस है इसमें लाइव बैंड और ट्रैक पे बजाना. ट्रैक का क्या होता है, मेट्रोनोम फिक्स होता है कि 120 टेम्पो है तो 120 में उनको पूरा गाना गाना पड़ेगा. ये हल्की सी भी लय हिलेगी नहीं, हल्का सा भी सुर हिलेगा नहीं. जब सिंगर गाता है तो अगर उसका सुर नीचे ऊपर हो रहा है तो लाइव बैंड सब संभाल लेता है. सर सुर एकदम नहीं मिल रहा है. अगर उसको थोड़ा सा सुर नीचे करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है तो लाइव बैंड में कर सकते, लेकिन ट्रैक में ये नहीं कर सकते. तो यही एक फर्क है लाइव म्यूजिक बैंड में और ट्रैक में. I think these musicians are fantastic. सुबह 10 बजे से जो रिहर्सल चालू होती है तो शाम को 6-7 बजे तक हम लोग को 10-11 गाने करना पड़ते हैं. हम लोग रिदम सेक्शन मेलोडी सेक्शन आपस में डिस्कस करते हैं. रिदम का चेंजेस लिख लेते हैं, ब्रेक्स वगैरह वो सब कुछ सब लिख लेते हैं, फिर हम लोग साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको एक साथ में डाल देते हैं.
फिर सिंगर को देखते हैं उनके हिसाब से कौन सा सुर उनको सूटेबल है, वो सुर और फिर टाइमिंग के हिसाब से हम गाना सेट करते हैं कि भाई 2-2.5 मिनट में हम लोग को गाना ख़त्म करना है, वो हिसाब से फिर म्यूज़िक को रिदम को सब एडिट करके फिर हम गाना पूरा परफेक्ट बिठा के फिर हम लोग आपके सामने पेश करते हैं। फेमस म्यूज़िक होते हैं, जो लोकप्रिय म्यूज़िक होते हैं, वो तो हमें सबको पता ही रहता है, बट जो गाने जो फिल्मी नहीं होते या कुछ सूफियाना होते हैं या क्लासिकल होते हैं, तो उसके म्यूज़िक के अनुसार, उसके स्केल के अनुसार, उसके राग के अनुसार हम लोग म्यूज़िकली उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं। कभी कभी आखिरी दिन भी गाना हमें चेंज करना पड़ता है। आप 10 मिनट पहले गाना बदलिए, 10 मिनट पहले म्यूजिक रेडी हो जाता है। चमत्कारी म्यूजिशियन है हमारे, हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी हमें गाइडेंस करते हैं स्टेज पे और रिहर्सल्स में कि बच्चा ऐसे नहीं ऐसे गाना, ऐसे नहीं ऐसे उठाना। पार्टिसिपेंट शायद थोड़ा बहुत कमजोर गा रहा है तो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे म्यूजिशियंस यहाँ के ऐसे तगड़े म्यूजिशियंस हैं, इतने अच्छे म्यूजिशियंस हैं कि वो बजाते तो ऐसे लगता है कि ट्रैक बज रहा है, तो इट्स अ फैंटास्टिक थिंग है। रहमान साहब जब भी आया तो बस गाने के बाद ही उनको पूरा साउंड अच्छा लगा, बैंड अच्छा लगा। द बैंड आई थिंक वेरी अमेजिंग। म्यूजिशियंस को उन्होंने कमेंट दिया कि ये लोग मेरे गाने लाइव इतना अच्छा बजा रहे कि आई जस्ट कैन बिलीव, और ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है हमारे बैंड के लिए, हमारे सब के लिए। अगर म्यूजिशियन ना हो तो सारे गामा पा ना हो। म्यूजिक जो सुना जाता है, महसूस किया जाता है, उसके पीछे बोलो है। सिंगर जो गाता है उसके पीछे क्या चल रहा है, वो सारे म्यूजिशियन थे, तो जो एहसास करवा दे उससे बड़ी बात क्या है।